मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है एज अ डेक ऑफिसर या इंजीनियर आफ्टर 12th विद ईसीएम बैकग्राउंड, आपने 12th क्लास के बाद ईसीएम में 60% से अबव लाने हैं, इंग्लिश में मोर देन 50%, तभी आप IMU CET एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। एग्जाम के बाद बात करते हैं मेडिकल की। अगर आप डेक साइड जाना चाहते हो तो आपकी आंखें 6/6 और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, बाय बाय। कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी। मैं रिकमेंड करूंगा प्राइवेट कॉलेजेस अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो। अगर आप डेक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, पहला तो BSc नॉटिकल साइंस, दूसरा है DNS। इसकी डिटेल वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो BTech इज द बेस्ट ऑप्शन। स्पॉन्सरशिप बहुत मेन रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पॉन्सरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। एक छोटी सी चीज पूछनी है, मैंने शीतल के चक्कर में 10th के बाद कॉमर्स ले ली, तो मैं मर्चेंट नेवी में जा सकता हूँ? इसकी तरह जिसके पास 12th में कॉमर्स है या जिसने साइंस नहीं ली है, उस बारे में हम कल बात करेंगे।